लोगों को बहुत दिक्कत होती है, खासकर इस वाले क्षेत्र में कौन कौन से देश हैं इसकी पहचान करने के लिए। जैसा हम यहाँ देखेंगे, ये आपका एशिया का इलाका हो गया, मध्य एशिया में सीरिया इराक है। इसके ऊपर देखेंगे इस्तांबुल यहाँ पे है, ये ग्रीस है, ग्रीस की राजधानी एथेंस हो गई। यहाँ बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, ये मेसोडोनिया की राजधानी स्कॉपजे है, ये अल्बानिया की राजधानी तिराना है, ये एक छोटा सा देश है कोसोवो, यहाँ है सर्बिया, इसकी राजधानी बेलग्रेड है, ये मॉन्टेनेग्रो, ये एक छोटा सा देश है, इसकी राजधानी पोडगोरिका है। यहाँ देखिए बोस्निया हर्जेगोविना, इसकी राजधानी सरोजेवो है। इसके बाद ये क्रोएशिया है, इसके बाद यहाँ जगरेब इसकी राजधानी हो गया, ये छोटा सा देश है स्लोवेनिया, ठीक ना, इसके जस्ट इधर इटली पड़ता है। इसके बाद यहाँ ऑस्ट्रिया, इसकी राजधानी वियना है। इसके बाद स्लोवाकिया, इसकी ब्रातिस्लावा है। यहाँ हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। इसके बाद रोमानिया की राजधानी आपका बुखारेस्ट है, दोनों में अंतर है। ये कोसोवो छोटा सा देश है, प्रिस्टीना इसकी राजधानी है, याद रखिएगा, छोटे छोटे देश से छूट जाते हैं। यहाँ अल्बानिया है, इसकी राजधानी तिराना है, ठीक। इसके बाद जस्ट ऊपर देखेंगे मॉल्डोवा, एक छोटा सा देश है, इसकी राजधानी है चिशिनाउ है, ये यूक्रेन, ठीक है, इसकी राजधानी क्यू यहाँ पे है, और जस्ट ये काला सागर यहाँ पे है। अब यहाँ जो है ये पूरा का पूरा रसिया है, रूस है। इसके जस्ट ऊपर देखेंगे ये बेलारूस है, इसकी राजधानी मिन्स्क है। यहाँ पे पोलैंड, इसकी राजधानी वारसा है। ये चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। इसके जस्ट इधर देखेंगे तो ये जर्मनी है, जर्मनी, ठीक है, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, ये सब यहाँ पे हैं। लग्जमबर्ग अलग देश है। इसके बाद पोलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया। अब इसके ऊपर में हम लोग देखेंगे ये छोटा सा देश, देखिए लिथुआनिया, ठीक है, ये लिथुआनिया है। इसके बाद ये लाटविया, रीगा इसकी राजधानी है। इसके बाद एस्टोनिया, एक छोटा सा देश है, इसकी राजधानी तल्लिन है। यहाँ पे इधर फिर रसिया आ जाता है, ठीक। इसके अलावा यहाँ एक कॉलिनग्राड है रूस का। अब यहाँ पे हम देखेंगे, इसके ऊपर हम लोग चलते हैं, छोटे छोटे से बहुत विकसित देश हैं। इधर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, यहाँ नीदरलैंड है, ठीक ना, जिसको हम लोग पहले के ज़माने में हॉलैंड कहते थे, इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। इसके बाद कोपेनहेगन जो है डेनमार्क में आता है, डेनमार्क, तो डेनमार्क यहाँ पे है, ठीक ना, विश्व के सबसे विकसित देशों में आते हैं, नीदरलैंड, बेल्जियम। इसके जस्ट हम अब ऊपर की ओर चलेंगे तो यहाँ हम लोग देखते हैं ये स्कैंडिनेवियाई कंट्री हैं, जिनमें नॉर्वे, नॉर्वे देखिए यहाँ पे इस तरफ है आपका, इसकी राजधानी ओस्लो हो गई। इसके जस्ट बगल में स्वीडन है, स्वीडन, और स्टॉकहोम यहाँ पे है, नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार यहाँ दिए जाते हैं, और ओस्लो में और स्टॉकहोम में, याद रखिएगा, ओस्लो में क्या दिया जाता है याद रखिएगा, स्टॉकहोम में क्या दिया जाता है ये भी याद रखिएगा। इसके बाद फिनलैंड है, ठीक ना, फिनलैंड आपका यहाँ पे एक विकसित देश है, सबसे विकसित देशों में विश्व के, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, इन सभी देशों का आता है सबसे विकसित देशों में।